आज मैं आपके लिए बना रही हूँ जन्माष्टमी की प्रसाद की स्पेशल थाली। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। तो अब चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी एक कटोरी दही। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी एक कटोरी मिल्क मींस दूध, और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच शुगर। अब इसमें मैं हनी लूँगी, 1/2 चम्मच आपको हनी लेना है मीन्स शहद। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गंगा जल, 1 चम्मच गंगा जल। अब ऐड करूँगी मैं इसमें पंचमेवे, जिसमें है काजू, बादाम, मुनक्का, मखाना और गरी मीन्स नारियल के क्रस्ट किया हुआ गरी। ये मैं सब इसमें मिक्स कर दूँगी फ्रेंड्स, ये देखिए। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये मैंने मिक्स कर दिया है, ये देखिए, ये हमने मिक्स कर दिया। अब इसमें ऐड करूँगी मैं बेसल लीफ मीन्स तुलसी, तुलसी के मैंने तुलसी के पत्ते ऐड कर दिए। ये मेरा पंचामृत रेडी है। यहाँ पर एक पेन लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल दिए हैं, ये देखिए। अब मेरा घी मेल्ट हो रहा है, ये देखिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा आटा, ये आटा मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ये देखिए, ये मिक्स हो गए हैं। मैं आटे की पंजीरी बना रही हूँ, ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इसमें हमारे ऐड कर दूँगी इलायची, ये मेरे इलायची कर दिया ऐड क्रश किए हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे काजू, ये जो मैंने काजू क्रश किया है वो मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे बादाम, जो मैंने क्रश करके रखा था वो बादाम मैंने ऐड कर दिया है, ये देखिए। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी फ्रेंड्स, ये देखिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे मखाने, ये मैंने मखाना ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँ हमारे मुनक्के, ये देखिए, आप किशमिश भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ मुनक्का लिया है जो अभी कोरोना वायरस के लिए अच्छा है। अभी मैंने इसमें ऐड किए करूँगी बहुत ही मेन बेसल लीव्स मीन्स तुलसी के पत्ते, जो कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। शुगर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना आपको मीठा अच्छा लगे। ये देखिए, ये मेरा हो गया है पंजीरी। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1-2 कटोरी मलाई। अब मैं इससे मैंने दाल घुटनी ले ली है फ्रेंड्स, आप ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड ग्राइंडर इलेक्ट्रिक वाले। अब ये मैं इसे अच्छे से रट लूँगी, ये देखिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा वाटर, ये देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। अब मैं इसमें से देखिए मेरा मक्खन निकलना स्टार्ट हो गया, ये निकल चुका है मेरा मक्खन, ये देखिए। अब मैं नेक्स्ट अपना बनाने जा रही हूँ धनिया की पंजीरी, जो बहुत ही मेन है हमारे कृष्णदेव के लिए। ये देखिए, मैंने एक पेन ले लिया है, इसमें मैंने ऐड किया है घी। अब इस घी में मैंने धनिया ले लिया है, धनिया पाउडर लेना है फ्रेंड्स आपको, ये देखिए, 1 कटोरी मैंने धनिया पाउडर ले लिया है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ये देखिए। धनिया बहुत जल्दी जल जाता है, आप ध्यान रखिएगा इसीलिए। ये देखिए, मैंने इसमें इलायची क्रश किए हुए इलायची डाल दिए हैं, मुनक्का मैंने इसमें मुनक्का ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें मखाने डाल दूँगी, ये देखिए, मखाने डाल दिए हैं मैंने, और ये मैंने डाल दिया है हमारे क्रश किए हुए बादाम और काजू, और यहाँ पर मैंने क्रश किया हुआ हमारा नारियल कोकोनट डाला है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स। ये सब को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, अदरवाइज़ धनिया नहीं तो जल जाएगा। ये मेरा रेडी है, ये देखिए, मेरा जो थाली है कृष्णदेव की वो रेडी है। आप भी ऐसे बनाइएगा।